हेलो दोस्तों, एक बार हम फिर से आप लोग के साथ जुड़ चुके हैं। दोस्तों, आप लोग के लिए एक और नया नोटिस हम जानकारी दे दूं, जो कि दोस्तों बिहार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दो न्यू नोटिस जारी किए गए हैं। दो न्यू जानकारी है और ये जो जानकारी है सभी को जानना जरूरी है। जो भी बिहार स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड है, चाहे वो नई नौकरी करेंगे या नई नौकरी करने वाले हो या पहले से नौकरी कर रहे हो, सभी को ये न्यू नोटिस जारी हैं सभी के लिए। आप लोग ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा, नहीं तो बाद में पछताना पड़ सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बता दूं कि सावधान होने की समय भी आ चुका है। ऐसा हमने इसलिए लिखा है कि आप लोग जब वीडियो कम्प्लीट देखोगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। ऑफिशियल जानकारी है और एक खुशखबरी भी है, इसलिए चलो विलंब नहीं करेंगे, डायरेक्ट चलते हैं जानकारी पर और कंप्लीट करते हैं वहीं से। फ्रेंड्स, यहां पर आएंगे तो सबसे पहले हम आपको सबसे बड़ी जानकारी दे दूं, ये थोड़ा उसके बाद एक खुशखबरी वाला जानकारी देंगे। ब्लड की हेराफेरी सामने आने पर बदलेंगे प्रभारी व दो कर्मचारी। यहाँ पर हेडलाइनिंग से आप लोग कंप्लीट हो गए होंगे, हम शॉर्ट डिटेल्स में दिखा देते हैं, पूरे पेपर को नहीं पढ़ेंगे। आज का न्यूज है फ्रेंड्स, नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस स्थित ब्लड बैंकों में चौंकाने वाली गड़बड़ी सामने आने पर अधीक्षक सख्त कार्रवाई करते हुए प्रभारी और तत्काल प्रभाव से हटाते हुए दो टेक्नीशियन विभागीय तबदला कर दिया गया है। यानी फ्रेंड, NMCH की ये घटना है। NMCH पटना में ब्लड बैंक में गड़बड़ी किया गया, यानी कि फ्रेंड्स वहाँ पर जो ब्लड बैंक उपस्थित थे उस ब्लड बैंक में ब्लड बेचने का शिकायत सामने आया, जिसका प्रूफ मिलते ही यहाँ पर सख्त कार्रवाई किया गया और तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया। यहाँ पर देख सकते हो, तुरंत उसे हटा भी दिया गया और दो टेक्नीशियन को वहाँ से विभागीय तबादला कर दिए गए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बड़ी बात यह है कि अगर तबादला किया गया यानी कि ट्रांसफ़र किया गया तो यहाँ पर जान बचने वाली बातें तो हैं, लेकिन विभाग ने हटा दिया ये बड़ी दुख की बात है, क्योंकि उसकी नौकरी अब सस्पेंड हो गई है। हो सकता है कि नौकरी से हाथ धोना भी पड़ सके। इसलिए हम दोस्तों पहले से भी कहते आ चुके हैं और कह रहा हूं कि अभी भी सावधान होने की ज़रूरत है। नौकरी बड़ी मेहनत से मिलती है, नौकरी अच्छा से कीजिए, नहीं तो आपका भी दिन खराब होगा, तो आपकी भी नौकरी जा सकते हैं। भैया, मरीजों को सेवा करने के लिए आप लोग जाते हो, ब्लड क्यों बेचते हो? ये तो यार दुख की बात है। ब्लड नहीं बेचो, मरीज की सेवा करो। जो भी आपको पूर्ति किए जाते हैं सरकार के द्वारा, उस सैलरी में आप खुश रहने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं खुश हो तो नौकरी छोड़ दीजिए, लेकिन एक ब्लड बेचने से आपका कुछ नहीं हो सकता है। चलिए, डिपार्टमेंट की ये जानकारी थी, हम आपको दिखा दिए और इस जानकारी से आपको सावधान रहने के लिए बोल दिए हैं, इसीलिए इस टाइप का जानकारी दिखाते हैं, क्योंकि नौकरी बड़ी मेहनत से मिलती है और इस तरह से काम करोगे तो नौकरी के साथ साथ आप भी जाओगे जेल के अंदर। इसलिए उम्मीद करते हैं कि नौकरी अच्छा से करेंगे और इस तरह से जानकारी सामने नहीं आना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड कोई भी जानकारी हो, स्वास्थ्य विभाग में किसी को कुछ हो जाते हैं जॉब से रिलेटेड, मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि हम जिस तरह से प्रोवाइड कराते हैं पूरी जानकारी, मेहनत करके आप लोग को देते हैं, आप लोग जॉब करते हो उसके बावजूद ये देखने को मिलता है, तो फिर कितनी दुख की बात है, खुद भी समझ सकते हो। तो ये जानकारी था NMCH की, और बड़ी जानकारी हम ये देंगे कि अब बिहार में स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत एक PMCH है, नाम जरूर सुनेंगे, और PMCH में बहुत ही अच्छे चीज़ खुल गए हैं, यानी कि PMCH में हर छात्र के होंगे मेंटर। अब ये मेंटर क्या है, शॉर्टकट में हम आपको दिखा देते हैं। इसमें फाइया ये जानकारी है कि हर 10 छात्र छात्राओं पर असिस्टेंट प्रोफेसर और उनसे वरिष्ठ शिक्षक बनाए जाएंगे, जो कि विश्वसनीय सलाहकार होंगे। सप्ताह में एक दिन 1 घंटे छात्र छात्राओं को पढ़ाई समेत अन्य समस्याओं की जानकारी भी सुनेंगे और उसका समाधान होगा। मेंटरशिप की योजना क्या है वो भी देख लीजिए। ये मेंटरशिप डॉक्टर राजीव कुमार सिन्हा ने बताया कि MBBS के छात्र छात्राओं पहली बार अभिभावक से दूर किसी दूसरे जिले या प्रदेश में पढ़ने के लिए जाते हैं। रोजमर्रा में कार्यों की कई तरह की समस्याएं होती है। अब तक की वरिष्ठ छात्रों की मदद से इनका समाधान तलाशते थे, लेकिन इस क्रम में कई बार उन्हें गलत राह दिखा दिया जाता था। यानी कि फ्रेंड्स, हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो योजना खोली गई है PMCH में, अब इंटरमीडिएट के बाद जो छोटे छोटे शहरों और गाँवों में जो स्टूडेंट पढ़ने के लिए जाते हैं और उनकी कई तरह की जो समस्याएँ होती है, उस समस्या को दूर करने के लिए PMCH में पहली बार ये मेंटर खोला गया, जिससे कि स्टूडेंटों को वहाँ से हेल्प मिलेगा, छोटी छोटी समस्याओं को दैनिक जीवन जीने की हर तरह की समस्या यहाँ पर सुने जाएंगे। और ये बड़ी अच्छी बात है कि अब समाधान के लिए
मदद करने वाला सामने आ चुका है और कोई भी समस्या हो तो आप लोग यहां पर जाकर के पूरी जानकारी क्लियर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये दोनों न्यू अपडेट था, वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो इनको सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा और इसी तरह की नई वैकेंसीज वाला वीडियो हम डालते रहते हैं, इसीलिए टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा और वहाँ से भी कोई क्वेश्चन हो तो आप टाइम टू टाइम पूछ सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।